वेदस्य मेधस्व वरदस्व चेद वरद चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्म वर्चसे नान्याधेन समेधया स्वाहा। अब दो मंत्र बोलेंगे, उसके बाद एक समिधा रखेंगे। ओम समिधाग्नि धूवस्यत घृत बोधयातिथिम आस्मिन् हव्या जुहोतन स्वाहा इदम् अग्नये इदन्न मम। ओम सुसमिध्याय शोचिसे घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समित वेंगरिंग्रो घृतेन वर्धयामसि वृक्षोषाय विश्व स्वाहा इदम् अग्नये अंग्रसे इदन्न मम। अब ये हमने तीन आहुतियां दी इसमें, अब ये पांच मंत्रों से पांच बार घी की आहुति पड़ेगी, पांच बार घी की आहुति पड़ेगी। अब ये चम्मच इसमें ले लीजिएगा और घी को मंत्र जब स्वाहा करे तो धीरे धीरे चारों तरफ गिराना है। अब ये ले। ओम अयंत इदमात्मा जात वेदस्ते नेधस्व वरधस्व चेद वरधे चास्मान् प्रजया पशु भी ब्रह्म वर्चसे नान्याधेन समेधया स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इदमात्मा जातवेदस्य नेधस्व वरधस्व चेद वरधे चास्मान् प्रजया पशु भी ब्रह्म वर्चसे नान्याधेन समेधया स्वाहा ओम अयंत इदमात्मा जात वेदस्य वेदवरदस्व चेदवरधे चास्मान् प्रजया पशु भी ब्रह्म वर्चसे नानाधेन शमेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इदमयात्मा जातवेदस्व वर्धस्व चेदवर्ध चास्मान् प्रजया पशु भी ब्रह्म वर्चसे नानाधेन शमेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अभी हमने पांच मंत्रों से पांच बार घी की आहुति दी हमने, अब जल प्रोक्षण मंत्र। अब जब एक मंत्र बोलेंगे तो हाथों में जल लेकर के और पूरब दिशा में पहली बार, फिर पश्चिम दिशा में और तीसरे मंत्र से उत्तर दिशा में। इसमें गंगा यमुना और सरस्वती तीनों को आह्वान करते हैं, हे माँ गंगा, हे माँ यमुना, हे माँ सरस्वती, तेरा आह्वान करता हूँ कि आपका स्थान मेरे यहाँ स्थापित हो जाए और त्रिवेणी के रूप में इस संकल्प को पूर्ण करते हैं। तो आइए पहला मंत्र बोलूँ तो आप तैयार रहिएगा। हाँ, जल हाथों में लेंगे, जैसे ही मैं आप इधर से दीपक दीपक की तरफ, आप फिर उधर और आपने उधर करना है। ओम अदिते अनुमन्य स्वा एक ही बार डालना है, एक मंत्र से पूरब से अपने आप छोड़ दीजिएगा। अब दूसरे मंत्र से आप करिएगा, इस कोने से जल वहां तक जाए, तीसरे मंत्र से आप उस कोने से दीपक की तरफ रख दीजिए। ओम अनुमते अनुमन्यस्व ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब इस अब चौथे मंत्र से जल को चारों तरफ छिड़केंगे, तो आप जल को वहां से यहाँ, फिर मैं यहाँ से यहाँ कर दूं, फिर आप यहाँ से और चारों कोण जल से बंध जाए, जल की सीमा में उसे गिलास से कर लीजिएगा, गिलास से हाथ लाइएगा।
ओम देवा सवित प्रसुवम यज्ञम प्रसुवा यज्ञ पतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम न पुनातु वाचस्पतिर्वच वातु सदतु। वहां से जल यहाँ तक ले आइए। अब ये क्या हुआ कि कहीं भी अग्नि हो तो अग्नि की शक्ति विराट है और उस अग्नि को सीमा में बांधने के लिए जल को चारों तरफ से बांधा जाता है ताकि अग्नि लाभ दे अपनी सीमा में रहकर कि किसी को कष्ट ना हो, किसी को जले नहीं, किसी को हानि नहीं हो। इसलिए जल प्रोक्षण मंत्र से अग्नि के चारों तरफ जल को सिंचन कर देते हैं। अब हम लोग तीन बार इससे स्वाहा जब बोलेंगे तो ये अंगूठा तर्जनी अंगूठा मध्यमा और अनामिका तीनों अंगुलियों से आहुति देना है ऐसे पकड़ के जब साहा बोलेंगे तो बीच से लेकर के और अग्नि देव के मुख में डालना है ऐसे नहीं फेंकना है ऐसे। अब हम अपने मुख में या बच्चे को खिलाते हैं और जैसे तैसे नाक में घुसा दे कान में घुसा देंगे तो भोजन हुआ, मुख में डालेंगे वो ना भोजन हुआ। इसलिए कभी भी हवन में आप समीधा डालें तो ये तीनों अंगुलियों से ऐसे पकड़ के और सीधा नजदीक आकर के उसके मुख में अग्नि देव के मुख में डालते हैं समीधा उसके भोजन को। अग्नि की भोजन क्या है? समीधा। इसमें तरह तरह के जड़ी बूटी मिलाए रहते हैं तो ये अग्नि में डालेंगे तो अग्नि जलेगी। तो आइए तीन मंत्रों के साथ ओम अग्नये स्वाहा उसमें ना एक पेपर में उधर भी ले लिया अलग 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 दीदी हाँ जल हटा दीजिए उसी को डाल दीजिए अभी तीन ही आदमी डालना है फिर बाद में करवाएंगे हल्का हल्का सबको करना है थोड़ा थोड़ा दो दो लेकर के हाँ तो एक पेपर दे दीजिए। हाँ तो नहीं हिलाइएगा तो हल्का हल्का चारों तरफ घुमाइए कैसे सबका मंदिर का भी हो जाए बैनर का भी हो जाए बहनों का भी हो जाए। ओम सोमाया स्वाहा इदम सोमाया इदम नमः ओम स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः ओम इद्राय स्वाहा इदम इद्राया इदं नमः। अब ये हमने अग्नि देव को अलग अलग औषधियों से सिंचित किया उसके मुख में अग्नि को डाला भोजन को और ये समीधा प्रज्वलित होकर के हमारे इस गांव के वातावरण को शुद्ध कर रहा है। चाहे कोई व्यक्ति इस यज्ञ में भाग ले या ना ले सबको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब ये सांस सारे गांव के लोग ले रहे हैं, अब अग्नि जला रहे हैं इससे ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है, वातावरण शुद्ध हो रहा है। अब सारे गांव के पशु पक्षी सारे जानवर सारे मनुष्य और सारे बच्चे सबके भीतर ये अग्नि देव और शुद्ध ऑक्सीजन पहुंच रहा है। इसलिए यह यज्ञ किसके लिए हो रहा है? पूरे गांव के लिए हो रहा है, पूरे गांव के कल्याण के लिए हो रहा है, पूरे गांव के वातावरण को शुद्ध करने के लिए हो रहा है। और बार बार अग्नि देव से प्रार्थना करते हैं कि हे अग्नि देव मेरे बाल बच्चे, आप संकल्प लीजिए ऐसे बैठ के बातचीत नहीं करिए, संकल्प लीजिए कि हे अग्नि देव मेरे बच्चे का तबीयत ठीक हो, मेरे बच्चा पढ़ लिख करके महान बने, मेरे गांव का नाम रोशन हो, मेरे गांव में सुख शांति समृद्धि आए, मेरे गांव के सारे व्यक्ति पशु पक्षी सब निरोग रहे, सभी भले चंगे रहे, कोई गरीब ना रहे। यह मन्नत मांगते हैं, यह संकल्प लेते हैं आज अग्निदेव के सामने कि हे प्रभु ऐसा यदि गांव हो जाए तो सारे आनंद में रहे। अब जब सुबह में करते हैं हवन यज्ञ तो प्रातःकालीन और शाम को करते हैं तो सायकालीन, सुबह में करते हैं तो दोनों कर लेते हैं प्रातःकालीन सायकालीन अग्निहोत्र।
ओम सूर्यो ज्योतिर् ज्योतिर्सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वरचो ज्योतिर्वरचः स्वाहा। थोड़ा थोड़ा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। स्वाहा बोलिए सारे लोग। स्वाहा बोलेंगे तो आप कर रही है यज्ञ। ओम सजरुदेवेन सवित्र सजरु चंद्रवत्याः भूषण सूर्यो ज्योतिर्तु स्वाहा स्वाहा। अब सायंकालीन अग्निहोत्र करते हैं। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वरचो ज्योतिर्वरचः स्वाहा स्वाहा। ओम अग्निज्योति ज्योतिरग्नः स्वाहा। सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिवत्या जोषानुग्रवेतु स्वाहा। अभी हमने अग्नि देव को प्रज्वलित करके प्रातःकालीन सायंकालीन अग्निहोत्र किया। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। ओम इदमग्नये प्राणाय इदन्नमः। ओम भूवार्णवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदं नमः। ओम स्वराजित्याय।